जरा बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं जाते जाते इन्फर्मरी से होकर जाने वाला था। आप निकल रहे हो? वॉशिंगटन से बुलावा आ चुका है, बोलो बात क्या है। पता नहीं कैसे शुरू करूं। आज सुबह जब मैं टीम के फुटेज देख रही थी तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि हमारी बात लीक हुई है। एक्सक्यूज मी, क्या? चेचन्स जानते थे कि हम आ रहे हैं। और ये उस टेप में है? वो एकदम साफ साफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये सब लेकर कर्नल के पास गई और जब हमें पता चला कि मर्सी जिंदा है और हम एक्सट्रैक्शन प्लान कर रहे थे, तब मैं उनके पास फिर से गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि अगर सच में कोई खबरी है तो हमारा एक्सट्रैक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि सारे डिटेल सिर्फ उन्हें पता होंगे और वही इन्फो रिले करेंगे। मेरी अभी मर्सी से बात हुई, उसने कहा कि चेचल्स भी एक्सट्रैक्शन साइट पर उसी वक्त पहुंचे जब वो पहुंचा। ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता, ये ट्रूप मोमेंट्स के फोटोज हैं। वो बी लाइन बना रहा था, ये देखो, और फिर अचानक से उन्होंने अपना कोर्स चेंज किया और वो सीधा मार्टिन और मर्सी के पास गए। तुम्हें लगता है कर्नल ने उन्हें बताया? मैं जानती हूँ ये अजीब बात है, मतलब मैंने उस इंसान को पूरी जिंदगी जाना है, शायद पूरी मिलिट्री को उनके बेटे को गुजरने का कारण बता रहे हैं। इतना कि वो बन जाएंगे देशद्रोही? अजीब बात है, लेकिन वही थे जिसे हर डिटेल्स पता थी। मैं इसमें सेल डालूंगा और उसके फोन का जीपीएस ट्रैक करूंगा। नहीं पता, सीआईएस स्पाई स्टफ। मैं उसके टेक्स्ट और ईमेल पढ़ सकता हूँ और उसके फोन के गाने भी सुन सकता हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हें वहां जाकर पकड़ा नहीं जाना था विक्टर। उससे मिल सकता हूं? हे, क्या हो रहा है कायल? सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तुम्हारा क्लियरेंस बढ़ेगा, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। सामने आओ मर्सी। मैं ये नहीं चाहता, ना तुम्हारे लिए ना टीम के लिए।